अध्याय 9 धातु एवं धातु कर्म मेटल्स एंड मेटलर्जी। पदार्थों को शुद्ध पदार्थ तथा मिश्रण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हम यह भी जानते हैं कि शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं। तत्व 100 से अधिक आपस में मिलकर हमारे चारों ओर पाए जाने वाले सभी पदार्थ बनाते हैं। तत्वों को पुनः धातुओं तथा अधातुओं में वर्गीकृत किया जाता है, किंतु क्या यह निश्चित करना आसान है कि कौन सा तत्व धातु है और कौन सा अधातु? इस अध्याय में हम तत्वों के उन गुणों का अध्ययन करेंगे जिनके आधार पर हम उन्हें धातु के रूप में पहचानते हैं। 9.1 धातुओं के भौतिक गुणधर्म कौन कौन से हैं? What are the physical properties of metals? पिछली कक्षाओं में हमने धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में सीखा है। हम जानते हैं कि धातुएं चमकीली होती हैं। इन्हें पीटकर पतली चादर या पन्नी बनाई जा सकती है और इन्हें पतले तारों के रूप में भी खींचा जा सकता है। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुओं को पीटने पर आवाज उत्पन्न होती है तथा सामान्यतः सभी धातुएं उच्च ताप पर पिघलती हैं। आइए हम धातुओं के गुणों का गहनता से अध्ययन करने के लिए एक क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 1, अपने आसपास उपलब्ध कुछ धातुओं जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, जिंक के नमूने एकत्रित कीजिए। अब इन धातुओं का ध्यान से अवलोकन कर बताइए कि क्या सभी धातुएं चमकदार हैं? क्या सभी धातुओं को हथौड़ी से पीटकर चादर या पन्नी बनाई जा सकती है? निर्देश: धातुओं का चयन करते समय ध्यान रखें, आपको धातुओं का चयन करना है, मिश्र धातुओं का नहीं। हमने देखा कि धातुओं के इन दो गुणों में समानता होते हुए भी भिन्नता है। आइए धातुओं के अन्य गुणों के अध्ययन के लिए कुछ प्रश्नों पर विचार करें। अलग अलग विद्युत उपकरणों में तार किन किन धातुओं के बनते हैं? घरों में वायरिंग के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? हाई टेंशन तार किस धातु के बनते हैं? भोजन पकाने के बर्तन बनाने के लिए कौन कौन सी धातुओं का उपयोग किया जाता है और क्यों? हमने देखा कि हर कार्य के लिए एक विशिष्ट धातु का चयन किया जाता है। क्या कारण है कि सभी कार्यों के लिए एक ही धातु का उपयोग नहीं किया जाता? आप सोच रहे होंगे कि चयन के पीछे एक से अधिक कारण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, चांदी विद्युत की सबसे अच्छी चालक है, किंतु इसका उपयोग तार बनाने या उपकरणों और इमारतों की वायरिंग में नहीं किया जाता। इसके लिए आर्थिक कारण, उसका अधिक महंगा होना प्रभावी भूमिका निभाता है। हम जानते हैं कि धातुएं अघात वर्ध्य, तन्य, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं तथा ये धात्विक ध्वनि उत्पन्न करती हैं। साथ ही इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं, किंतु इनमें से कुछ गुण अधातुओं में भी पाए जाते हैं, जैसे कार्बन का एक अपर रूप हीरा चमकदार तथा ऊष्मा का सुचालक है, जबकि दूसरा अपर रूप ग्रेफाइट धूसर रंग का तथा विद्युत का सुचालक होता है। आयोडीन अधातु है, फिर भी इसके रवे चमकदार होते हैं। इसलिए किसी एक गुण के आधार पर तत्व को धातु या अधातु की श्रेणी में रखना उचित नहीं है।